ब्रज की सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकली ब्रज धाम चौरासी कोश यात्रा आज राया पहुंची। ब्रज की सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य लेकर निकली ब्रज धाम कोसी यात्रा आज राया पहुंची, जहां गणेश बाग में सैकड़ों पदाधिकारियों का ठहराव रहा। देश दुनिया में ब्रज की सनातन संस्कृति की पहचान बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर ब्रज धाम चौरासी कोस यात्रा निकाली गई है। श्री धाम वृंदावन से शुरू हुई ये पदयात्रा ब्रज मंडल का भ्रमण कर रही है। यात्रा में संत और श्रद्धालु भगवान का भजन कीर्तन करते हुए निरंतर चलते रहते हैं, जो कि निर्धारित धार्मिक स्थलों पर अपना ठहराव करते हैं। यात्रा का संचालन कर रहे मनीष भाई महाराज ने बताया कि जो लोग चौरासी कोस की यात्रा धन के अभाव में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी मौका रहता है। वो संस्था के खर्चे पर अपनी यात्रा कर सकते हैं, जिससे कि भगवान के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे। मनीष भाई, श्री धाम वृंदावन। ये यात्रा जो निकल रही है, क्या उद्देश्य यात्रा का? जो इस यात्रा का यही उद्देश्य है एकमात्र, कि जो लोग किसी भी कारणवश ब्रज चौरासी कोश यात्रा नहीं कर पाते, विशेष करके धन के अभाव में, चूँकि लंबी यात्रा है और इसके खर्च के लिए लोग शुल्क भी लेते हैं, बहुत सारे निःशुल्क भी चल रही हैं, तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रज से जुड़े और ब्रज की संस्कृति को जानें, और किसी कारणवश विशेष करके धनाभाव के कारण जो लोग परिक्रमा नहीं कर पाते ब्रज चौरासी कोश की, वो भी आकर के ब्रज चौरासी कोश परिक्रमा कर सकें, यही इस यात्रा का उद्देश्य है, ताकि हमारे ब्रज की सनातन संस्कृति जो है पूरे देश देशांतर में, विदेशों में ये जो है ब्रज की संस्कृति फैले, लोग भगवान से जुड़ें और ब्रज से जुड़ें, यही इस यात्रा का मूल उद्देश्य। आज पड़ाव कहाँ है? आज राया में पड़ाव है, गणेश बाग राया। कितने समय तक रहेगा यहाँ पड़ाव? आज दिन भर यहाँ रहेंगे, रात्रि विश्राम ही है, सुबह 5 बजे यहाँ से दाऊ जी के लिए यात्रा प्रस्थान करेंगे।